दीदी के पास बंगाल के विकास का कोई विजन नहीं है। आप उनका भाषण सुन लीजिए। भाषण में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी या मुझे गाली बोलती है और कोई एजेंडा नहीं, और कहेगी बाहरी बाहरी बाहरी। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री बंगाल की जनता से बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जरा जोर से बोले, कर सकते या नहीं कर सकते? मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बाहरी कहां से हो गया? मैं तो इस देश में जन्मा हूं ममता दीदी, यहीं पला यहीं बड़ा, और मर जाऊंगा तो मेरी चिता भी यहीं पर लगकर इस देश की पवित्र भूमि में ही मिल रहा। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी, मगर आपकी जो वोट बैंक है ना, घुसपैठियों की वोट बैंक, वो घुसपैठियों की वोट बैंक बाहरी है, जिसके आधार पर आप बंगाल पर शासन करना चाहते। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या तृणमूल कांग्रेस रोक सकती है? क्या कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? ये घुसपैठ तो ये तीनों पार्टियों के लिए अपना वोट बैंक है, वोट बैंक। और मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि आप 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो सरकार व्यक्ति तो क्या, इंसान तो क्या, बॉर्डर की इस ओर से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बंगाल के अंदर घुसपैठ रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मुझे आप बताइए, जो हमारे राजवंशी समाज के, मतवा समाज के, नामशूद्र समाज के भाई बहन यहां पर शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता दीदी कहती है सीएए से हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मैं बताने आया हूं ममता दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मित्रों मैं आप सभी को वादा कर जाता हूं, हमारे भाइयों के को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देकर हम गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और उनको सम्मान। इतने सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता दीदी का शासन रहा, परंतु हमारे उत्तर बंग को ढेर सारा अन्याय हुआ। उत्तर बंग के विकास के लिए ना कम्युनिस्टों ने कुछ किया, ना ममता दीदी ने कुछ किया, हमेशा उत्तर बंगाल के लिए सौतेला व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत एजेंडा है, मजबूत एजेंडा है जो उत्तर बंगाल को पूर्ण रूप से विकसित कर सके।